मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आपका सनातन भारत परिवार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एड्स को लेकर, तो आज भी मैं आपको एड्स को लेकर ही कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ कि कैसा भोजन हो, कैसा ना हो, और भी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी एड्स को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की है एड्स को लेकर। मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ, बहुत ढूंढती रहती हूँ, मैं जगह जगह लोगों से बात करती हूँ जो इस तरह का इलाज कर रहे हैं, तो मैं बहुत जानने की कोशिश करती हूँ इसके बारे में। तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करती हूँ अधिक से अधिक, ताकि लोगों तक ये जानकारी ये पहुँच जाए। मैंने जो अन्य वीडियोस डाले हैं मैं उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप उन्हें भी प्लीज़ देख लीजिएगा, आप उनसे लाभान्वित होंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं एड्स को लेकर कि मैंने जैसे पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन लोगों को एड्स है तो सबसे पहले जो उनकी जो डाइट है वो एल्केलाइन हो, क्षारीय डाइट हो, अम्लीय ना हो, क्योंकि जो एल्केलाइन डाइट खाते हैं, जो हमारे शरीर में अगर एल्केलिनिटी बढ़ती है, क्षारीय तत्व बढ़ जाते हैं, तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं रह सकती। जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक की बीमारी है, वो हमारे शरीर में नहीं रह सकती हैं। तो जो इसकी जो खाने की लिस्ट थी वो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आप उसे देख सकते हैं। मैं अभी भी आपको स्क्रीन पर फिर से उसकी जो लिस्ट है, जो क्षारीय भोजन की जो खाने का जो मैं दे रही हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। दूसरा मैं आपसे बात करती हूँ कि जैसे इमली है, अमचूर की खटाई है, इन दोनों को खाने से एड्स का जो वायरस है बहुत जल्दी से बढ़ता है, जो ऐसी खट्टी चीज़ें हैं इस तरह की, तो आपको इमली की खटाई और अमचूर की खटाई से बिल्कुल दूर रहना है। इसका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है किसी भी उसके अंदर किसी भी तरह से, तो आप इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए आप एड्स में, क्योंकि इससे जो वायरस है इसका प्रकोप बढ़ेगा, ज़्यादा उसको मजबूती मिलेगी, तो आप इससे दूर रहिए इमली की खटाई से, अमचूर से। तीसरा है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था गाय के मूत्र के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हम जितना अधिक से अधिक हो सके गाय के जो दूध है, गाय का दही है, जो गाय के प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, गाय के मूत्र का इस्तेमाल करें, सुबह खाली पेट उठकर पिएं तो बहुत अच्छा है। आधा कप रोज पीना है, जो देसी गाय है, विदेशी गाय नहीं, देसी गाय का जो मूत्र आप पी सकते हैं। इसके अलावा आपको सोते समय अपने दोनों नाकों में एक एक बूंद आपको घी की डालनी है, गाय के घी की, जो पीले रंग वाला होता है, शुद्ध घी लीजिए, अच्छा घी लीजिए। अगर आपको घी नहीं मिल रहा अच्छा, तो फिर आप इसे अच्छा सरसों का तेल डाल दीजिए, पर नकली घी नहीं, डालडा और ये नहीं चलेगा, नो रिफाइंड, नो डालडा। अगर आपको गाय का अच्छा घी मिल जाता है शुद्ध, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा आप सरसों का तेल डाल लीजिए, सरसों का भी अच्छा हो, शुद्ध हो, कच्ची खानी वाला। तो लेकिन आप गाय का तेल डालेंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। एक एक बूंद बस अपनी नाक में डालना है, इससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मजबूत बनता है। गाय का घी नाक में डालने के बहुत तरह तरह के फ़ायदे हैं, इस पर मैं एक अलग से मैंने वीडियो में बताया है, तो ये आप कीजिएगा इसको। दूसरा है कि एक बात मैं बताना भूल गई थी पिछले अपना जो मैंने वीडियो बनाया था, से मैंने कहा था कि हमें अल्कलाइन डाइट लेनी है। इसमें एक बात और थी कि अगर जब हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो हमारे मुंह में जो लार होती है, लार जो सुबह की लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो एल्केलाइन से बहुत ज़्यादा रिच होता है, उसमें एल्केलाइन इतना ज़्यादा होता है। और हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, हम सुबह उठते मुंह धो देते हैं तो हम उसको सारा बाहर फेंक देते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें सुबह उठते ही पहले आपको जो लुकवॉर्म वाटर है, आपको जो रूम टेम्परेचर पे, या फिर आप हल्का सा निवाया करके गर्म पानी पीजिए, बैठ के आराम से सिप सिप करके धीरे धीरे करके, और जो एल्केलाइन जो था, जो आपकी लार थी, वो आपके सारे शरीर के अंदर ही चली जाए, तो इससे हमारे शरीर में जो एल्केलाइन एनवायरमेंट है, जो क्षारीय जो वातावरण है वो बढ़ेगा, क्षारीय तत्व बढ़ेंगे इससे हमारे शरीर के अंदर। ये जो लार है सुबह की, बहुत बहुत कीमती है, सबसे कीमती चीज़ है, तो आपको ये ज़रूर करना है। जैसा कि मैं राजीव भाई दीक्षित जी कहते हैं, एकदम फोकट का इलाज, इसको करना ही करना है, तो ये तो चीज़ कीजिए, ये अपने जीवन के अंदर इस चीज़ को डाल लीजिए, अपनी जो दिनचर्या के अंदर इसको
आदत बना लीजिए कि सुबह की लार को अंदर रखना है, पानी पीना है। इतनी प्रभावी है कि जिसको नेत्रों के रोग हैं वो यहाँ पे अंजन की तरह लगा लेते हैं, जिसको चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो अपने लगा लीजिए, लार लगा लीजिए। आपका हाथ जल गया है कहीं से, कट गया है कहीं, तो जले पे आप, अगर जले का निशान है वहाँ भी, अगर आप 8-10 महीने लगाते हैं लार, तो वो भी चला जाता है। इतनी प्रभावी है ये लार सुबह की, तो आपको इसका भी इस्तेमाल करना है। और दूसरा जो मैंने कहा था कि जो गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए। एक मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो आयुर्वेदिक उपचार हैं, जैसे कि अर्जुना का हमको प्रयोग करना है तांबे के लोटे के साथ में पानी में, तो कैसे करना है, कितनी मात्रा है, मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से आपको बताया, आप देख सकते हैं। तो आप इन उपचारों को करते रहिए। मैं जो अन्य जो भी संभव जो भी उपचार है मैं लेकर फिर से आपके सामने आऊँगी। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।